पर्सनली जो है मेरे को BMW की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा महंगी लगती है, और आप इस कुत्ते को देख सकते हो क्या कर रहा है। दिखाओ, चला के देखते हैं इसको। और वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का राइडर आपके साथ राइड कर रहा हो, जो एकदम डिट्टो आप ही की तरह राइड करता हो। चीज़ और मैंने आज ना बातों में BMW में इसका थर्ड सर्विस का रेट तो ज़रूर पूछ लिया कि भाई कल कम थर्ड सर्विस पे आते हैं तो कितना एक राउंड एस्टिमेट आता है। तो भाई उनका रेट का पैसा सुन के तो ना मेरे होश ही उड़ गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि एक हैक है, तो ये एक अलग रंग है जो नया आया था हमारे लेने के बाद। ये बहुत सुंदर था। पटाखे पटाखे, और देखो 300 CC की पावर। गुड मॉर्निंग एंड हर हर महादेव मेरे सारे भाइयों को। तो आज हो चुकी है एक नई सुबह, और आज हम लोगों को जाना है BMW मोटरार्ड। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हमको नारायणा किस लिए जाना है। तो अभी हम जस्ट सोकर उठे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, फटाफट रेडी होते हैं, ड्रेड्स को टाई अप करते हैं, और प्राइम के ऊपर आपको बैठ के बताता हूँ कि आज हम किस लिए जा रहे हैं BMW। हो चुके हैं रेडी, तो मैं अभी थोड़ा नेचुरल लाइट में आकर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी लुक आ रही है कैसी नहीं। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। कितना अच्छा ड्रेड बन बांधा हुआ मैंने, और आज की ये लुक है कुछ। सोच रहा हूँ कि कौन सा हेलमेट लेके जाऊँ। अगर ये अपना S12 लेके जाता हूँ तो इसमें फ्रंट ग्लास नहीं है, बट इसमें GoPro का माउंट लगा हुआ है। इसमें फ्रंट ग्लास है और इसमें GoPro का माउंट लगा हुआ है, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था इसका ग्लास मिल ही नहीं रहा कहीं मार्केट में। तो फिर आज मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मैंने अपना S12 का हेलमेट लेके जाऊँ, क्योंकि इसमें GoPro का माउंट लगा हुआ है, नेनकी में GoPro का माउंट लगा हुआ नहीं है। तो वापसी आते हुए करोल बाग भी होते आएंगे, पता करेंगे चोपड़ा अंकल पे कि इसका शीशा मिल जाएगा तो खरीद लेंगे, नहीं तो फिर हम इस वाले हेलमेट में जब तक शीशा नहीं मिलता इसमें माउंट लगाएंगे। मेरे को जाने की इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना, तो मैंने ये बाइक सुबेरे ही साफ करके एकदम खड़ी कर दिया। देखो प्राइम कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारे प्राइम में कोई भी स्टिकर नहीं लगे हुए हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि स्टिकर्स वगैरह भी लगवा दें, क्योंकि उस टाइम के बाद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाई है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है कि मेरी सर्विस 23 तारीख को ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है, और आज मई चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस मीटर में भी आएगा। जब मैं ये क्लेम के बाद लेकर आया था तो ये थी 4x7 7891, तो ज़्यादा नहीं चली है। तो गाइस वीडियो के अंदर बने रहो, तो आज मैं आप लोगों को एक हैक में बताने जा रहा हूँ जो कि BMW में थोड़े से पैसे बचा देगा आप लोगों के। फाइनली यार हम तैयार हो चुके हैं आज BMW जाने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं मैं तो बहुत टाइम बाद इस बाइक को चला रहा हूँ यार, ज़्यादा चली भी नहीं है। और आई डोंट नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ़ आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि मेरे हेलमेट के ऊपर वाइज़र नहीं है, मैंने सिर्फ अपने शेड्स लगा रखे हैं ताकि मेरी आँख में कोई कचरा ना जाए। तो चलो चलते हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 11:18, और अभी मैं सिर्फ लक्ष्मी नगर को ही क्रॉस कर रहा हूँ। और हाँ यार, मैंने तो आपको एक्साइटमेंट में बताना ही भूल गया कि हम लोग BMW जा क्यों रहे हैं यार। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं इसकी सेकंड सर्विस करवाने, जो कि इसकी पिछले महीने तक होनी चाहिए थी। वैसे तो 10,000 किलोमीटर्स या एक साल है, तो मेरे एक्सीडेंट के चक्कर में 10,000 किलोमीटर्स तो पूरे नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं इसको एक साल के अंदर करवानी चाहिए थी, बट हो गया है 10 दिन ऊपर हो गए हैं। मैंने BMW में बात कर ली, उन्होंने बोला सर आ जाओ, क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट लेने के पीछे ही घूम रहा हूँ। 1.5 हफ्ते से मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही इन लोगों की। बताओ एक बाइक को सर्विस कराने के लिए इतने सारे झोल, यार कसम से बहुत दुख दर्द है ज़िंदगी में BMW का।
यार माना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है, बट इस एरिया की ना वाइब बहुत अलग है। यह है गोल मार्केट के आसपास का एरिया, इधर दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी के अंदर मेरी मेश जैकेट के अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा घुस रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ से जाना है राई। और यार ये ऐसा स्ट्रेच है जो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा खाली मिलता है कभी कभी, तो इधर हम थोड़ा सा भगा भी सकते हैं। आओ देखो 300 सीसी की पावर। और एक है भाई डुकाटी वाला, बड़ी देर से मेरे आसपास भगाया जा रहा है, सर्विस की बाइक चेक कर रहा है शायद। एग्जॉस्ट नोट तो बहुत प्यारा आ रहा है इसका, देखो तो अभी खींचेगा तो आएगा। देखा पटाखे पटाखे। अब यार हम पहुंच ही गए हैं, देखो सुजुकी डुकाटी, और ये हमारा आ गया नारायणा फेमस BMW Lutyens Motorrad। तब ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करें, इन भाई ने तो बंद कर रखा है। कोई ठोक गया तो आपकी जिम्मेवारी फिर ना। ठीक है तो ये यार Lutyens Motorrad पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बाकी बाइक खड़ी है। तो यार देखो हमारी बाइक जो है वो सर्विस के उसके ऊपर लग चुकी है, क्रेन के ऊपर, तो इसके अंदर अभी काम चालू हो चुका है। देखो भाई यहाँ पे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा देर, तो इसलिए मैंने अपनी बाइक यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। अब मैं कल यहाँ पे वापसी आऊँगा और कल यहाँ पे आके अपनी बाइक वापसी लेके जाऊँगा। तो देखो मेरी बाइक अंदर लग चुकी है और बहुत सारी BMWs यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यार ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कसम से। तो यार आज की अपनी राइड है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, पापा जी हमको लेने आए हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज जैसे कि आपको पता है कि कल मैं अपनी BMW को BMW स्टेशन छोड़ आया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहे थे सर्विस के लिए, बल्कि मैं अपॉइंटमेंट लेके भी गया था। जैसे कि मैं ब्लेड को बुला चुका हूँ, ब्लेड आ रहा है मेरे को लक्ष्मीनगर से पिक करने के लिए। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा था कि तू भाई आ जाएगा। हम दोनों यहाँ से BMW पहुँचते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि मेरी BMW का सेकेंड सर्विस का बिल कितना आया है। उन्होंने कल मेरे को एस्टिमेट दिया था 7,500-8,000 के बीच का, और मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉमिस भी करा था कि मैं आप लोगों को एक हैक भी बताऊंगा। तो अभी मेरे पास बिल आने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो हैक क्या था। तो बस अभी ब्लेड आने वाला है, मेरे को पिकअप करेगा, फिर हम यहाँ से दोनों जाएंगे नारायणा। तो यार एडवेंचर आ चुकी है, एकदम ज़बरदस्त लग रही है, और ये है इसका राइडर। तो वो मिलते हैं आपसे दोबारा वापसी BMW में। फाइनली हमारी बाइक की सर्विस तो हो चुकी है, अब हम इसका जैसे कि टेस्ट राइड लेके आते हैं और आपको बताते हैं फीडबैक कैसा है। मेरे को लगता है कि इन्होंने मेरी प्रॉब्लम जो है अगली ब्रेक की वो रिजॉल्व कर दी होगी। आओ चला के देखते हैं इसको। अब देखते हैं कितनी चपत लगेगी हमें। तो फाइनली यार 7,000 रुपये दे के, 7,100 रुपये देकर अपनी बाइक के ऊपर बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों से बात करते हैं
और आपको बताते हैं कि आगे मैंने और अंदर क्या क्या बात पता करी है। हाँ तो यार ज़्यादा तो भगा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी हेलमेट में शीशा नहीं है, चश्मे के साथ भी ना हेलमेट के आँखों में पानी बहुत आ रहा है, तो इसलिए हम आराम आराम से ही चलेंगे, बिल्कुल भी रैश नहीं चलाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि एक हैक है, हैक ये था कि मैंने अपनी बाइक पे चेन टाइट, चेन ल्यूब और वॉश के लिए मना कर दिया था, तो उसी के अंदर मेरे 1500 से 2000 रुपए बच गए। तो आप लोग कभी भी BMW जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि अपने 2000 रुपए के आसपास बचाना, तो आप लोग उनको मना कर सकते हो, ये आप लोग की चॉइस होती है, क्योंकि BMW वाले 450 रुपये तो वॉश करने के लेते हैं। वॉश आप बाज़ार में 70 रुपए के आसपास करवा सकते हो, 70 से 100 रुपए। आज ना मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि आज हमारे ना एक डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट थी, अन्नू को लेके जाना था, बट मेरे को लगता नहीं कि आज हम जा पाएंगे। अब देखते हैं कल या परसों जब हमको दोबारा अपॉइंटमेंट मिलती है। एक अपॉइंटमेंट के चक्कर में एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई हमारी, बाइक की अपॉइंटमेंट ली थी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। और वैसे बाइक चलने में बहुत अच्छी लग रही है, स्मूथ हो गई एकदम। बाकी मैं आपको घर जाके बताता हूँ प्रॉपर इनका बिल देख के कि इन्होंने कितने के पार्ट्स लगाए हैं और कितने की लेबर लगाई है। टोटल जो मेरा बिल था वो 7100 रुपये के आसपास है, 7093 या 7073 के आसपास, सेकंड बिल का, सेकंड सर्विस का बिल। तो अगला सर्विस इंटरवल जो है मेरा 18000 या एक साल, जो पहले हो जाए। चीज़ और मैंने आज ना बातों में BMW में इसका थर्ड सर्विस का रेट तो ज़रूर पूछ लिया कि भाई कल को हम थर्ड सर्विस पे आते हैं तो कितना एक राउंड एस्टिमेट आता है। तो भाई उनका रेट का पैसा सुन के तो ना मेरे होश ही उड़ गए, बोल रहे हैं 20000 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आएगी थर्ड सर्विस की। यार पैसा क्या डाल देंगे इसके अंदर, इतना सुपर बाइक की सर्विस का रेट नहीं आता यार। तो थर्ड सर्विस कराने से पहले सोचना पड़ेगा हम लोगों को थर्ड सर्विस कैसे कराएं। स्मूथ चल रही है और अभी ब्लेड का GPS जो है वो लेके जा रहा है हमको खाली खाली रोडों से, क्योंकि मेरी बाइक में तो अभी GPS माउंट जो लगा हुआ था वो घर पे रखा हुआ। और वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का राइडर आपके साथ राइड कर रहा हो, जो एकदम डिट्टो आप ही की तरह राइड करता हो। तो ब्लेड और मैंने दोनों ने एक ही साथ बाइक चलानी सीखी है और हम दोनों एक ही जैसी बाइक चलाते हैं और एक दूसरे को हमेशा पता रहता है कि सामने वाला बंदा क्या मूव लेने वाला है क्या नहीं। बताओ टनल के अंदर भी जाम लगने लग गया यार, हद हो गई भाई, कब ख़त्म होंगे ये जाम वगैरह। हाँ, थोड़ा जाम में राहत आई भाई, सराय काले खां के पास आकर ये जाम ख़त्म हुआ। अब यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, ठीक है फिर मिलते हैं, बाय, मिलते हैं, बाय बाय। तो यार घर तो मैं पहुँच गया था और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं घर आने के बाद आपको BMW का पूरा लिखा चिट्ठा बताऊँगा कि इन्होंने कितने का बिल दिया था कितने का नहीं दिया। तो आओ इस एनवलप को खोल के देखते हैं और आपको बताता हूँ कितने का बिल आया था। एक बात तो बहुत अच्छी है कि BMW ना आपको एहसास करा देती है कि आप BMW गए थे, एनवलप के अंदर बिल कौन सी कंपनी देती है। तो आप ये सारी लेबर देख सकते हैं कितने कितने की लेबर लगी हुई है। बताओ सॉफ्टवेयर चेक करने की भी लेबर है जिसके ये पैसे भी लेते हैं। टोटल लेबर इंक्लूडिंग GST 3598 की। स्पेयर पार्ट जो है वो है एयर फिल्टर जो है 353 रुपये कुछ का है, ऑयल फिल्टर जो है 274 रुपये का है और 1850 रुपये के आसपास का इंजन ऑयल डलता है जो कि अराउंड 2 लीटर के आसपास डलता है। ब्रेक फ्लूड इन्होंने चेंज कराया वो 361 का है। तो टोटल मेरे को जो स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट है वो है 3475। तो मैंने आपको सारा का सारा कॉस्टिंग बता चुका हूँ, बाइक में जितना भी लगा था दोनों को अगर आप प्लस भी करोगे तो 71 समथिंग कुछ बनेगा। तो 7100 रुपये के आसपास मैं उनको बिल देकर आया था, 7073 का जो मेरा बिल था, तो आप राउंड ऑफ कर दो तो 7100 रुपये के आसपास बिल बनकर आया था, वो मैं ऑलरेडी पे करके आया हूँ। पर्सनली जो है मेरे को BMW की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी लगती है और आप इस कुत्ते को देख सकते हो क्या कर रहा है, देखो ठीक है। 7100 रुपये का मैं बिल देकर आया हूँ, बल्कि आप एक नॉर्मल सुपर बाइक जो है 10 से 15 हज़ार के बीच में जनरल सर्विसेज करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें
अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उस घंटी को भी दबाएं।